दोस्तों रिलायंस में जैसे कि फ्राइडे को 7% का एक फॉल हुआ था और उसके बाद यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। क्या कल हम रिलायंस इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं डिलीवरी या इंट्राडे? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट डिलीवरी में कि 5 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। और जैसे कि मैं डेली का जो है कि वीडियो बनाता हूँ और वीकली व्यू, तो वीकली व्यू में मैंने जो है कि निफ्टी के बारे में क्या कहा था मैं आपको बताऊंगा। और निफ्टी का एनालिसिस बैंक निफ्टी का करने के बाद हम लोग रिलायंस का स्टॉक देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये आते हैं कि निफ्टी का चार्ट हम लोग थोड़ा जूम करते हैं और उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप वीकेंड का भी मेरा जो कि वीडियो देख सकते हो। तो मैंने जैसे कहा था कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल था ब्रेकडाउन हुआ था, फिर से आपने रिसेप्शन लिया, नीचे आया और आपने निफ्टी ने ब्रेक किया और फिर इसको जो रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है जो कि एकदम नजदीक वाले सपोर्ट है। तो ये लेवल पे जैसे कि मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया और यहाँ पे आज उसके ऊपर क्लोज दिया। तो उसके ऊपर क्लोज देना और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यानी यहाँ पे जो है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो ये मैंने आपको आप जाएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है कि सैटरडे की वीडियो में बताया था। तो पहला टारगेट मार्केट का हो सकता है 15,925 और नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक गैप फिल करेगा जो है कि 16,169, ये टारगेट हो सकता है प्रोवाइडेड 15,925 का फिर से एक ब्रेकआउट यहाँ पे होना जरूरी है। अगर हम लोग ए इसमें आप ट्रेंड में हम लोग देख रहे हैं तो 53 53 का यहाँ पे आप नजदीक का टॉप लॉस लगा सकते हैं और अभी ये नजदीक का टॉप लॉस हो सकता है और थोड़ा दूर का 15,500 का ये टॉप लॉस है जो कि हमको मैंने वीकली रेंज कहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था सैटरडे को, वैसे ही मार्केट यहाँ पे आज पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी हमको कल के लिए क्या लेवल रहेगा हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं यहाँ पे जो कि इंट्राडे के लिए हमको जो कि लेवल होगा या आपको ट्रेड करना है। तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखें कि 5 मिनट में भी मार्केट जो अपना नीचे वाला लेवल था वहां से ये देखो टर्न हो गया, ए लेवल को रेजिस्टेंस किया और आखिर में ये लेवल ब्रेक किया। तो मार्केट जो क्लोज हुआ है हाई ऑफ द डे पे हुआ है और हमको कल के लिए जैसे कि आज का जो हाई है जहाँ पे सेलिंग आया था यानी 15,851 के ऊपर मार्केट जाता तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए 15,793 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो भी होगा कि मार्केट इन बिटवीन अगर यहाँ पे ओपन होता है, अदरवाइज कुछ अलग से भी ये हो सकते हैं। मार्केट ज्यादा गैप डाउन भी होता है तो यहाँ पे हमको रिकवरी के चांस मिलेगा या फिर मार्केट में सेल ऑफ भी आता है 15,653 ये लेवल पे अगर आके यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर से भी हमको बाइंग यहाँ पे मिल सकता है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पे थोड़ा बाई साइड में और अगर गैप अप खुलता है तो ज्यादा गैप अप खुलता है ए लेवल पे 15,925 पे तो यहाँ पे अगर सेलिंग कैंडल आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो हमको तीनों जगह पे देखना है कि क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और वहां पे मार्केट ओपन होता है तो हमको क्या मौके मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने देखे कि बहुत ही अच्छा जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है। जो लेवल था हमारा 33,767 का और बैंक निफ्टी भी एक कंटिन्यूशन में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे इन बिटवीन है, यहाँ पे ये यह जो इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा अभी 34,159 का लेवल है लगभग ये इसके आसपास, ये ब्रेक करने के बाद भी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कर रहा है, नजदीक वाला एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ है छोटा सा 33,767 का, यहाँ पे अभी हम लोग नजदीक वाला टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रख सकते हैं। तो कल जैसे कि यूएस मार्केट आज क्लोज है तो कल जैसे कि मार्केट के लिए कोई क्लू नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई क्लू नहीं मिलता तो मार्केट मोस्टली अगर यूएस का क्लू नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड भी जाता है, लेकिन यूएस का फ्यूचर देख के भी मोस्टली कल एक ट्रेड हो सकते हैं तो थोड़ा वो ये भी याद रखना। 5 मिनट्स में हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमको 5 मिनट्स में बाय करना है तो वो है 33,980 के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में सेलिंग करना है
होगा 3,3767 के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आज रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो रिलायंस इंडस्ट्री है ऑल ऑफ अ सडन एकदम गिरा है और आज एक ग्रीन कैंडल बना, तो सबके मन में डाउट होगा कि शॉर्ट कवरिंग का हो सकता है। इतने नीचे गिरने के बाद मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा बाउंस होता है। लेकिन अगर हम लोग पिछले इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो जैसे हम लोग डिमांड जोन कहते हैं कि ये डिमांड जोन के यहाँ पे ये बाउंस हो रहा है और ये डिमांड जोन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। जैसे कि अगर मेरा आप सैटरडे का वीडियो देखो तो वहां पर मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट यहाँ पे होल्ड हो सकता है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे होल्ड हो सकता है और ग्रीन कैंडल आने के बाद यहाँ पे आप जो है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर सकते हो और उसका टॉप लॉस रहेगा 2,364। कोई भी ट्रेंड रहेगा वो 100% नहीं होता, टॉप लॉस इसीलिए होता है कि आपका बड़ा लॉस ना हो और नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पे आप टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के डिलीवरी बेस में बाइंग कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो 2,236 का आ सकता है, बट यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आ जाया है डिमांड जोन के ऊपर, तो ये बेस के ऊपर यहाँ पे बाइंग बनती है। अगर जो कि रिलायंस इंडस्ट्री आपको इंट्राडे में बाइंग करना है तो वो लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा और वो लेवल हो सकता है 2,440 का के ऊपर आप रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और जो कि पहला इसका टारगेट आ सकता है इंट्राडे में 2,509 का टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है यहाँ पे हैवेल्स, तो हम लोग हैवेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हैवेल्स में देखिए कि मैंने ये स्टॉक यहाँ पे क्यों रेकमेंड किया है। यहाँ पे देखो हैवेल्स में ए डब्ल्यू पैटर्न बन गया है और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट भी हुआ है और नेक्स्ट कल हम इसको बाइंग करेंगे तो वो रहेगा 1,135 के ऊपर, जाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। इसका जो टारगेट हम लोग रखते हैं पहला 1,170। नेक्स्ट स्टॉक कल के लिए रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी देखो जब भी बॉटम आउट होता है तो मार्केट जो है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो एक्सिस बैंक ने बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया। कल एक्सिस बैंक जो है 6,55 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट उसका 6,73 का आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए, और आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है या ऑफलाइन सीखना है तो यहाँ पे ठाणे मुंबई में आके आप मेरे साथ सीख सकते हो, और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे जो है कि लाइव मार्केट में होगा, तो आप लाइव मार्केट में मेरे साथ सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।